गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइज। आज के हम सेशन में पढ़ेंगे रियली करंट अफेयर्स ऑफ 6 जुलाई 2021। तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चलिए मैं एक बार फिर से बता दूँ कि जो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की मंथली मैगजीन है, जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स है, वो आपकी आ चुकी है। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा वेबसाइट विजिट करिए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी सभी लोग को। सो हमारे साथ शंभू जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग शंभू, गुड मॉर्निंग ओलीपीडिया, गुड मॉर्निंग अतुल। गाइस सेशन को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करिए। सो आज का वर्ड ऑफ विजडम देखते हैं। टू सक्सीड इन लाइफ यू नीड टू थिंग्स। दो चीज़ों की आवश्यकता है आपको लाइफ में सक्सेस पाने के लिए, इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस। यानी कि ऐसी चीज़ को इग्नोर करिए, लोगों की बातों को इग्नोर करिए जो आपको जो है डीमोटिवेट करती हैं, जो आपको चैलेंज करती हैं, एंड कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर कि आप जो करना चाहते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। सो ये दो चीज़ें अगर लाइफ में रहेंगी तो आप ज़रूर सक्सेस को प्राप्त करेंगे। सो अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अखिलेश, हैव अ नाइस डे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, पहले प्रीवियस डे का रिविजन करेंगे। सो सभी लोग गाइज आंसर बताइएगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स इन 400 मीटर हर्डल्स। 400 मीटर बाधा दौड़ में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एमपी जाबीर, दीपिका कुमारी, गोविंदन लक्ष्मणन एंड दीपा मलिक। क्विकली कमेंट गाइज, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज एमपी जाबीर। ठीक है, ये सतुल राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। रिसेंटली इंडियन आर्मी इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम्स। दिस हैज बीन डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय डैश। भारतीय सेना ने 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम के पहले बैच को शामिल किया है। इसको किसके द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया है? लार्सन एंड टोब्रो, DRDO, BEL एंड रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। बताएंगे। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज DRDO। ठीक है, यस अतुल राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। DRDO विल बी द करेक्ट आंसर। यस ओनली पीडिया राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। लार्सन टोब्रो ने इसको मैन्युफैक्चर किया, दिस इज द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट देखिए, OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो हाई लेवल स्टेटमेंट कंटेन्स आउटलाइन ऑफ कंसेंसस सॉल्यूशन टू डील विद टैक्स चैलेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। एक हाई लेवल स्टेटमेंट अडॉप्ट किया गया था। सो पिलर वन जो है प्रपोज सॉल्यूशन का, ये अबाउट, दिस इज अबाउट द रीएलोकेशन ऑफ एडिशनल शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द मार्केट ज्यूरिसडिक्शन। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव। बताएंगे। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बोथ वन एंड टू। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। यस अतुल राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज सेलिब्रेटेड इट 66th फाउंडेशन डे ऑन 1st जुलाई। पहले जुलाई को अपना 67वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। बताएंगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। सो SBI जो है इसको इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको रीनेम किया गया था एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें आपके 3 बैंक्स को मर्ज किया गया था, BMC, यानी कि आपका बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। स्टेट बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये मर्ज करके आपका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। राइट, ये सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतुल, सचिन, ओलीपीडिया, अखिलेश राइट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल चेयर्ड डैश ऑफ ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की डैश की अध्यक्षता की है। 6th मीटिंग, 8th मीटिंग, 4th मीटिंग एंड 9th मीटिंग। बताएंगे। सो अगेन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज 6th मीटिंग। तो ब्रिक्स की हम बात करें तो ब्रिक्स आपका जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से मिलकर बना है। और जो ब्रिक्स की 2021 की मीटिंग होगी, ब्रिक्स समिट होगा, 13th ब्रिक्स समिट, तो दिस विल बी होस्टेड बाय इंडिया।
भारत इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। यस सचिन, ओनली पीडिया अतुल राइट ऑप्शन नहीं करेक्ट आंसर है, गुरजंत राइट। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू डैश एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, खेल मंत्रालय ने डैश को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की है। फ्री स्टाइल बॉक्सिंग फेडरेशन, वाको इंडिया की बॉक्सिंग फेडरेशन, बेसबॉल इंडिया फेडरेशन एंड नन ऑफ द अबव, बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइज। किसको रिकॉग्निशन दिया गया है एज द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन। यस अतुल राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट मूव क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एमएसएमईज, एमएसएमई के बारे में कौन सा कथन सही है। सो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि रिटेल और होलसेल ट्रेड को एमएसएमई कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, और एमएसएमई जो है ये भारत के ग्रॉस जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन नॉट टू, बताएंगे फटाफट से करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ वन एंड टू। यस सचिन, गुरजंत, ओनलीपीडिया, अतुल राइट ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर होगा, ए नहीं होगा सचिन। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली तीरथ सिंह रावत रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश। हाल ही में तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वे डैश के मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये 9th सीएम थे तीरथ सिंह रावत, कहाँ के, उत्तराखंड के। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इनसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रिजाइन किया था, तब तीरथ सिंह रावत को बनाया गया था, एंड तीरथ सिंह रावत ने इसलिए रिजाइन किया क्योंकि अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इनको लग रहा है कि बाय इलेक्शन के कोई चांसेस नहीं है, तो अभी 6 महीने के अंतर्गत इनको एमएलए बनना होगा। सो वो नहीं बन पाएंगे, उनको ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे क्राइसिस आ जाएगा, इसलिए उन्होंने रिजाइन करना सही समझा। यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस अखिलेश, ओनली पीडिया, गुरजंत, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ एंड नासा साइंटिस्ट कमलेश लूला हैव बीन ऑनर्ड बाय डैश। तो कार्नी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क फाउंडेशन, ट्रांसपेरेंट हैंड्स फाउंडेशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ब्रदर्स ब्रदर फाउंडेशन। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा गाइज। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज द कार्नी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क फाउंडेशन, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस अतुल राइट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे। यस सचिन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यस ओनली पीडिया राइट। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 इंडिया ने अपना मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के लिए क्या टारगेट रखा है। मर्चेंडाइज यानी कि आपके जो भी गुड्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट के लिए। सो $500 बिलियन, $400 बिलियन, $600 बिलियन एंड $800 बिलियन, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज $400 बिलियन, ठीक है। यस अतुल राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचिन बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सीआरपीएफ ने अभी एमओयू साइन किया है किसके साथ, ताकि जो ट्रेन कर सके अपनी फोर्सेज को एडवांस टेक्नोलॉजी में, सीडैक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड फेसबुक, बताएंगे। सीआरपीएफ ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि जो एडवांस टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग मिल सके। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। यस सचिन, अतुल राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज सीडैक राइट। चलिए सो गाइज, यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस डे का रिविजन है वो खत्म होता है। अब हम आज का जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। तो इसरो ने अपना पार्लियामेंट्री पैनल को अप्रूवल दे दिया है ताकि वो सैटेलाइट टीवी क्लासेस लॉन्च कर सकें। सो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन को यहाँ पर नॉड मिल गया है, उनको परमिशन मिल गई है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ताकि वो सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स में लॉन्च कर सके भारत में। सो इसरो क्या करेगा, ये टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान करेगा सैटेलाइट टीवी क्लासरूम के लिए, क्योंकि लॉकडाउन जो आपका कोविड की वजह से लगा है, इसकी वजह से जो लर्निंग गैप है ये काफ़ी बढ़ गया है, इसको कम करने के लिए यहाँ पर इसरो टेक्निकल असिस्टेंस प्रदान करेगा। तो अभी इसरो से जो साइंटिस्ट हैं वो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन के सामने आए थे, तो उन्होंने पूरा जो प्रपोजल है सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स का उसको एलैबोरेट किया था। सो इसके जो विनय शास्त्र बुद्धि हैं ये करेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग फॉर
कमिटी फॉर एजुकेशन के हेड हैं, याद रखिएगा, विनय शास्त्र बुद्धे। इसरो की हम बात करें, स्पेस एजेंसी है भारतीय सरकार की, ये फाउंड की गई थी आपकी 1969 में विक्रम साराभाई के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? बेंगलुरु में है। करंट डायरेक्टर कौन है इसके? के सिवान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हु इज़ द हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति का प्रमुख कौन है? सो विनय शास्त्र बुद्धि, गिरीश बालचंद्र, जयराम रमेश एंड भानु प्रताप सिंह वर्मा, बताएंगे। क्विकली कमेंट करिएगा इस करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी फॉर एजुकेशन के हेड कौन है? सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट गुरजंत? करेक्ट है, यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज विनय शास्त्र बुद्धि। यस सचिन, अतुल, राइट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, INS सर्वेक्षण ने अपना जो सर्वे है अराउंड MVX प्रेस पर्ल ऑफ कोलंबो, इसको कंडक्ट कर लिया है। एंड ये इंडिया नेवी का जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है शिप सर्वेक्षक के द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया गया है। इसके बाद श्रीलंकन अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट सौंप दी गई है। 25 जून को गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने कहा था कि भाई इस शिप को आप डिप्लॉय कर दीजिए, क्योंकि इसमें अभी साइड स्कैन सोनार भी है और जो भी यहाँ पर है इसका सर्वे ही अच्छे से कर पाएगा MVX पर्ल प्रेस पर्ल में। सो INS सर्वेक्षक ने कम से कम 807 माइल जो है सर्वे किया है साइड स्कैन सोनार के साथ, और 54 जो प्रोमिनेंट वाटर डेब्रिस हैं MVX पेरिस पर्ल के वो उनको मिले हैं, और एक और अनचार्टेड रैक भी इनको मिला है। ठीक है, अज्ञात मलबे का भी यहाँ पे पता लगाया गया है। सो INS सर्वेक्षण जो है ये आपका मॉरिशस में डिप्लॉय किया गया था फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। सो ये जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे यहाँ पर मॉरिशन नेवी के साथ जो है कंडक्ट किया जा रहा है, इसलिए डिप्लॉय इसको किया गया था। INS सर्वेक्षक की हम बात करें, सो ये आपका हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है इंडियन नेवी का, सदर्न नेवल कमांड के अंतर्गत ये है, कोची में है ना आपका सदर्न नेवल कमांड, वहाँ पर उसके अंतर्गत है ये। सो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था, 24 नवंबर 1999 में लॉन्च किया गया और 2002 में इसको कमीशन किया गया था। तो इसमें जो भी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सभी इसमें शामिल है, जैसे कि डीप सी मल्टी बीम इको साउंडर सिस्टम है, साइड स्कैन सोनार है, साउंड वेलोसिटी प्रोफाइलर्स हैं, फुली डिजिटल यहाँ पर सर्वेइंग और प्रोसेसिंग सिस्टम है जो इसको काफ़ी एडवांस बना देता है सर्वेइंग के लिए। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन देखेंगे। इंडियन नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप सर्वेक्षक रिसेंटली कंप्लीटेड अ सर्वे नियर विच सिटी? सिंगापुर, कोलंबो, तेहरान एंड अनुराधापुरा, बताएंगे। INS सर्वेक्षक ने कहाँ पर अपना सर्वे कंप्लीट किया है, कौन सी सिटी में? सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कोलंबो। कोलंबो विल बी द करेक्ट आंसर। यस अतुल, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस सबको समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पुष्कर सिंह धमी ये नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं उत्तराखंड के, 11th चीफ मिनिस्टर बने हैं पुष्कर सिंह धमी उत्तराखंड के। ये खातिमा उत्तराखंड से MLA हैं और ये उत्तराखंड के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं। तीरथ सिंह रावत के प्रीडिसेसर हैं, उनके पूर्ववर्ती हैं, और जो तीरथ सिंह रावत हैं इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि वो उत्तराखंड असेंबली में इलेक्ट नहीं हो पाएंगे 6 मंथ्स के अंतर्गत, तो इसीलिए उन्होंने जो है रिजिग्नेशन दे दिया था। उत्तराखंड की हम बात करें तो दिस वॉज फॉर्म्ड एज द 27th स्टेट ऑफ इंडिया, 9 नवंबर 2000 में ये फॉर्म हुआ था आपका। सो रानी बेबी मौर्य जो है ये करंटली गवर्नर है उत्तराखंड की, एंड विंटर कैपिटल इसकी देहरादून है, समर कैपिटल गेरसेन है। समर जो इसकी कैपिटल है वो है गेरसेन। सो ये अपना बॉर्डर जो है तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। नंदी देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है, ये फेमस नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड के। ठीक है, सो आप फोटो में देख सकते हैं पुष्कर सिंह धमी है और ये यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के, 11th चीफ मिनिस्टर बने हैं। सो क्वेश्चन देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तीरथ सिंह रावत, हरीश रावत, पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा गाइस, फटाफट से बताइए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज पुष्कर सिंह धामी। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए। यस सचिन, राइट अतुल, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग प्रवीण, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, काफी दिनों बाद आप नजर आए। यस अखिलेश, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन।
निपुण भारत इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो इससे क्या होगा, जो पहले तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के द्वारा, विजन क्या है इसका कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि ताकि जो बेसिक आपका जो लिटरेसी और न्यूमरेसी है ये हर बच्चे को अचीव हो जाए, जो भी उनके अंतर्गत हम चाहते हैं लर्निंग कॉम्पिटेंसीज हो कि वो अच्छे से पढ़ सकें, लिख सकें, ठीक है, नंबर्स को पहचान सकें। एट दी एंड ऑफ ग्रेड थ्री तीसरी कक्षा तक ये सारी निपुणता उनमें आ जानी चाहिए। तो उसको इंश्योर करना है 2026-27 तक, ये इसका मेन एम है। सो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है ये निपुण भारत को इम्प्लीमेंट करेगा, और ये फाइव टायर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म इसमें, मतलब फाइव टायर कैसे, एक तो नेशनल लेवल हो गया, इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा मैकेनिज्म, फिर स्टेट लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, फिर ब्लॉक के लेवल पर, और फिर स्कूल के लेवल पर। तो ये पांच लेवल पर, पांच स्तर पर इसको जो है इसका जो क्रियान्वयन तंत्र है उसको स्थापित किया जाएगा। सो ये आप फोटो देख सकते हैं, रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत को लॉन्च किया था, 5 जुलाई को लॉन्च किया गया है, 12 से 1 के बीच में ये। सो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट निपुण भारत। तो इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी निपुण भारत को इम्प्लीमेंट करेगा। सो बताइए, 1 only 2 only, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके प्रवीण, बहुत अच्छी बात है, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, अच्छा है कि आप शिमला घूमने गए हैं। चलिए, यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज बोथ 1 and 2। शिमला में तो मौसम प्लेजेंट होगा, राइट? चलिए अतुल प्रवीण, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एम थंगावेलु टू बी द फ्लैग बेयरर फॉर टोक्यो पैरालंपिक्स। पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु जो है इनको नेम किया गया है कि जो इंडियन कंटीजेंट है टोक्यो पैरालंपिक्स में उसके फ्लैग बियरर होंगे ये। सो जो पैरालंपिक्स हैं 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाले हैं टोक्यो जापान में। मरियप्पन थंगावेलु जो है इन्होंने 2016 में रायो पैरालंपिक्स में गोल्ड जीता था, वहीं इनको अभी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से 2020 में इनको सम्मानित किया गया है। तो ये जो है एम कर रहे हैं कि भाई T42 हाई जंप कैटेगरी में इस बार गोल्ड जीते टोक्यो पैरालंपिक्स में, इनको पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सेलेक्ट किया गया था। सो क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन नेम्ड एज अ फ्लैग बियरर फॉर द इंडियन कंटिजेंट एट द टोक्यो पैरालंपिक्स। देवेंद्र झाझरिया झाझरिया, देन अजीत सिंह, अमित कुमार एंड मरियप्पन थंगावेलु, बताएंगे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज मरियप्पन थंगावेलु, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस सचिन अतुल, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। यस राइट, करेक्ट आंसर है गाइस, हाँ राइट सचिन, लास्ट टाइम नीरज चोपड़ा थे। यस ओनली पीडिया, राइट ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेशन पेड होमेज टू स्वामी विवेकानंद ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया था, एंड इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था 12 जनवरी 1863 में, एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को मनाते हैं। तो अपने नेशन की तरफ इनकी जो सर्विस है, ह्यूमैनिटी की तरफ जो सर्विस है उसके लिए इनको जाना जाता है। तो ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था वर्ल्ड का शिकागो में 1893, उसमें जो उन्होंने अपनी स्पीच दी थी तो उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और यही मतलब चीज़ उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी धर्म किसी से ऊपर नहीं होता, सब धर्म बराबर होते हैं, इस तरह से उन्होंने कुछ स्पीच दी थी, तो उसके लिए काफ़ी ये फेमस हुए थे। इन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था, और फिलॉसफी, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, लिटरेचर, हिस्ट्री सब में काफ़ी अच्छे से इन्हीं विषयों में पारंगत थे। इनका चाइल्डहुड का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, एंड विवेकानंद जो नाम है इनको महाराजा अजीत सिंह के रिक्वेस्ट पे 1893 में इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। ठीक है, सो देखिए स्वामी विवेकानंद है, 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, बचपन का नाम इनका नरेंद्रनाथ दत्त था, और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन इन शिकागो इन 1893 में इन्होंने स्पीच दी थी जिसके लिए काफ़ी फेमस है।
सो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद के बारे में कौन सा कथन सही है? सो ही वॉज बॉर्न कोलकाता ऑन 4 जुलाई 1863 एंड इनका जो बचपन का नाम था वो नरेंद्रनाथ दत्त था. सो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव. बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा. यस सचिन, राइट. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि 4 जुलाई को तो उनका निधन हो गया. इनका जन्म तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था. यस सचिन अतुल, राइट. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़े हम लोग. अखिलेश, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा. नेक्स्ट देखिए, यूनियन गवर्नमेंट 2 नई वैक्सीन टेस्टिंग लैब जो है इनको सेटअप करने वाली है, इसने अनाउंस किया है. एंड जो पीएम केयर्स फंड से जो पैसा आया है उसका इस्तेमाल करके नई वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरीज को सेटअप किया जाएगा. सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन लेबोरेटरीज को अपने 2 ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस्टेब्लिश करेगा. एक तो है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज पुणे और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद. तो याद रखिए दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में, एक है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज पुणे, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोलॉजी हैदराबाद. सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन दोनों जगह पर अपना जो वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरीज है इनको सेटअप करेगा. सो करेंटली अगर हम देखें तो इंडिया के पास सिर्फ एक सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी है कसौली में, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है. सो इससे क्या होगा, बैच टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल हो पाएगी वैक्सीन की. सो फैसिलिटीज जो है ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 60 बैचेस जो है वैक्सीन की पर मंथ इनको टेस्ट कर पाएंगी. सो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है ये आपका वैक्सीन डेवलपमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, बायो बैंकिंग, जीनोमिक सर्विलांस, इन सभी में ये आपका जो है शामिल है, इसमें जुड़ा हुआ है. सो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू सेटअप 2 new वैक्सीन टेस्टिंग लैब्स फैसिलिटीज. दीज लेबोरेटरीज विल बी सेटअप बाय द डैश डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर. बताइए करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा गाइज, क्विकली कमेंट करिए. सो करेक्ट आंसर सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. यस राइट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. यस अतुल, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड इंडिया घाना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हेल्ड बाय इंडिया एंड घाना. सो सेकेंड इंडिया घाना फॉरेन ऑफिस जो कंसल्टेशन है इंडिया और घाना के बीच में, घाना की जो कैपिटल है अकरा, वहाँ पर 2 जुलाई को कंडक्ट किया गया है. दोनों साइड ने कहा डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कस किया है, बायलेटरल हो चाहे रीजनल हो, क्षेत्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, सब पे डिस्कशन किया गया है. सो मीटिंग को राहुल छाबड़ा जो सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और कुआकू अम्प्रातवाम जो सरपोंग है डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है आपके घानियन साइड के, इन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. सो दोनों साइड ने ये कहा कि COVID-19 के जैसे इश्यूज हैं, जैसे कि 50,000 कोविड वैक्सीन्स का डोनेशन भारत के द्वारा घाना को किया जाना है, और 6 लाख कोविशील्ड मेड इन इंडिया वैक्सीन अंडर कोवैक्स वैक्सीन इनिशिएटिव जो देनी है, सो उस के बारे में डिस्कशन किया गया. इसके अलावा एक MOU पर भी साइन किए गए फॉर कॉपरेशन बिटवीन इंडिया ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप एंड घाना एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बीच में. सो ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप ये वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप सेंटर है, जो कि झज्जर हरियाणा में लोकेटेड है. इसके बीच में और घाना एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में कॉपरेट करेंगे दोनों. सो घाना की हम बात करें, ये आपका वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, और ये देखिए अपना बॉर्डर घाना आप देख पा रहे हैं, चलिए जूम कर देते हैं थोड़ा सा इसको, अभी नज़र आएगा, ये देखिए घाना, ठीक है. सो घाना जो है आपका ये अपना बॉर्डर जो है इधर आइवरी कोस्ट, ठीक है, बुर्किना फासो टोगो के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और इधर गल्फ ऑफ गिनिया, तो आपका आई गेस की कैपिटल क्या है, अकरा है. सो नाना अकूफो अडो जो है इसके करंटली प्रेसिडेंट हैं, और इसकी करेंसी क्या है, CDI है, ठीक है. चलिए सो आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं. वेयर वर सेकेंड इंडिया घाना फॉरन ऑफिस कंसल्टेशन हेल्ड रिसेंटली, आकरा, न्यू डेली, मुंबई एंड कुमासी. बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, इसका फटाफट से बताइए. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज आकरा, आकरा विल बी द करेक्ट आंसर. यस अतुल, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. गुड मॉर्निंग अमन, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्ट इंडिया विंस मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 अवार्ड. इन्वेस्ट इंडिया को वर्ल्ड का बहुत ही जो इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का अवार्ड मिला है, ओको ग्लोबल के द्वारा दिया गया है. ओको ग्लोबल क्या है, ये आपका लीडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एडवाइजरी फर्म है. ये गवर्नमेंट और कंपनीज के साथ मिलकर काम करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अट्रैक्शन पे. सो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और जो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इन्वेस्ट इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया है अवार्ड के जीतने पर. सो इन्वेस्ट इंडिया की हम बात करिए, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी है भारत की. 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी एज द नॉन प्रॉफिट वेंचर. ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इसके सी और एमडी कौन है, दीपक बागला है, याद रखिएगा. ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था ये. सो आप ये देख सकते हैं, ये इन्वेस्ट इंडिया को अवार्ड दिया गया था वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड, ओको ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड. सो क्वेश्चन देखिए, इन्वेस्ट इंडिया हैज़ बीन अवार्डेड द वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 बाय डैश ओको ग्लोबल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी यूएई, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका गाइज. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ओको ग्लोबल. यस अतुल, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. बाकी लोग भी गाइज कमेंट करते रहिए. यस सचिन, राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. यस प्रवीण, गाइज वॉचिंग 9 है, लाइक्स केवल 8 है, बहुत गलत बात है, जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए. यस ओनली पीडिया प्रवीण, राइट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी का. एंड ये जो ड्राफ्ट है ये कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ये अपना फोकस रखेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ग्रीन फ्यूल, रोबोटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन और रियूजेबल रॉकेट्स पर, कि जो रॉकेट्स हम भेजते हैं जो वापस आता है तो वो तहस नहस हो जाता है, अगर वो वापस सही से आ जाएगा तो उसको फिर से रीयूज़ किया जा सके. तो इन तीन मुद्दों पर ही अपना फोकस रखेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का. इस ड्राफ्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिसर्च जो है यहाँ पर ज़रूरी है न्यू प्रोपल्शन सिस्टम के लिए, जैसे जो आपके सेमी क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन मीथेन या ग्रीन प्रोपेलेंट्स पर बेस्ड होते हैं. इसरो के जो चेयरमैन है कौन है, के सिवान है, उन्होंने कहा कि इसरो जो है ग्रीन प्रोपल्शन को देख रही है कि इसको रॉकेट में इस्तेमाल किया जा सके थ्रू हाइड्रोजन परऑक्साइड. सो इससे क्या होगा, जो इंडियंस है इनको स्पेस में लेकर जाया जा सकेगा गगनयान मिशन के तहत, क्योंकि हमारा गगनयान मिशन यही है ना कि इसमें हमारा जो ह्यूमन्स है उनको स्पेस में लेकर जाया जाएगा, है ना. तो उसके लिए आपका ग्रीन प्रोपल्शन को थ्रू हाइड्रोजन परऑक्साइड देख रहे हैं ऑप्शन के तौर पर. हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये आपका मोनोप्रोपेलेंट या फिर बायप्रोपेलेंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल के साथ मिलकर, मतलब अकेले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इथेनॉल के साथ मिक्स करके भी हाइड्रोजन परऑक्साइड को इस्तेमाल किया जा सकता है. गुड मॉर्निंग रमेश, वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे. ठीक है, सो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मुझे फॉर्मूला बताइए जल्दी से, हाइड्रोजन परऑक्साइड का मुझे फॉर्मूला बताइए. सो H2O2 जो है ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है. ठीक है, चलिए. सो ये आपका ब्लू लिक्विड होता है, थोड़ा सा पेल ब्लू लिक्विड, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर भी इसका काम किया जाता है. सो इट इज़ ऑल्सो डेवलपिंग LOX मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइजर एंड मीथेन एज फ्यूल. ठीक है, तो जो इसरो है ये आपका क्या बना रहा है, लिक्विड ऑक्सीजन बना रहा है एज ऑक्सीडाइजर को इस्तेमाल किया जाएगा और मीथेन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाएगा. तो इससे क्या होगा, ये आपका एडवांटेजेस हैं इसके, इसको आराम से स्टोर किया जा सकता है, इसकी टॉक्सिसिटी कम है, ठीक है, इसका कॉस्ट भी कम आता है, तो इसके कुछ फ़ायदे हैं. सो इसरो ने डेवलप किया है इसके अलावा रॉकेट ग्रेड वर्जन केरोसिन का एज एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशन हाइड्राजीन रॉकेट फ्यूल. और इसको नाम क्या दिया गया है, इसको इसरो सीन दिया गया है नाम, इसरो के नाम पर इसको नाम दिया गया है इसरो सीन, क्योंकि केरोसिन का इस्तेमाल किया गया इसरो के द्वारा. तो क्या नाम दिया गया है आपका, इसरो सीन. ठीक है, रॉकेट ग्रेड वर्जन है केरोसिन का ये. सो इस ड्राफ्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो करंट कैपेबिलिटीज़ है इसरो की, ये जो है आपकी, दिस हैव टू बी सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड टूवर्ड्स हैवी लिफ्ट, सुपर हैवी लिफ्ट, यानी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी हो जानी चाहिए कि हैवी जो वेट है, जो सुपर हैवी लिफ्ट है उसको भी वो कंडक्ट कर सके. ठीक है, और जो रियूजेबल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इस पर फोकस किया जा सके, कि हम जैसे रॉकेट भेज रहे हैं,
ठीक है, लॉन्च के लिए, सेटेलाइट लॉन्च के लिए जब वापस आता है तो रप्चर हो जाता है, तो वो आपका सही सलामत वापस आए, जैसे कि आपका कौन सा है वो स्पेस एक्स जो कंपनी है, वो आपकी एलन मस्क की कंपनी जो है, सो वो आपकी जानी जाती है किसके लिए, रियूजेबल रॉकेट्स के लिए वो जानी जाती है, तो वैसी टाइप की टेक्नोलॉजी इसरो भी डेवलप करे, ठीक है। सो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोकस एरियाज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट एज पर ड्राफ्ट नेशनल स्पेस ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, ग्रीन फ्यूल, रोबोटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन, रियूजेबल रॉकेट्स, सो वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली एंड वन टू एंड थ्री, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। प्रवीण क्या समझ नहीं आया, आप एक बार बताइए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रवीण बताइए क्या डाउट है, क्या समझ नहीं आया आपको। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज वन टू एंड थ्री, तीनों ही यहाँ पर फोकस्ड एरियाज हैं आपके आरएनडी के, ठीक है। यस ओलीपीडिया, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा गुरजंत, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे। सो सतीश अग्निहोत्री ही हैज टेकन ओवर एज चार्ज एज एमडी ऑफ NHSSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन। सतीश अग्निहोत्री ने जो है यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर ही बन चुके हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के NHSRCL के, एंड इन्होंने पहले काम किया है एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड के तौर पर। ये शेड्यूल ए CPSE है आपका, ठीक है, और दिस इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जिसके वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने चेयरमैन की पोजीशन भी पर रहे हैं ये, जो कि RVNL की एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा। सो सतीश अग्निहोत्री किसके मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के, ठीक है। सो फोटो में आप देख सकते हैं सतीश अग्निहोत्री हैज टेकन चार्ज एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो क्वेश्चन देखिए, हु हैज टेकन ओवर चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो यशपाल खरे, प्रदीप लाल, सतीश अग्निहोत्री एंड आदित्य सिंह, बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस। सो राइट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज सतीश अग्निहोत्री। यस सचिन, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतुल, राइट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बायोग्राफी ऑफ नाथूराम गॉडसे टू बी पब्लिश्ड बाय पैन मैकमिलन इन इंडिया इन 2022। सो ये जो बायोग्राफी है इसका नाम क्या है, नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, ठीक है। गांधी का इन्होंने जो है गांधी को मारा था ना, नाथूराम गोडसे ने, तो उनके बारे में है। तो मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट जो है धवल कुलकर्णी, उनके द्वारा ये बायोग्राफी लिखी जा रही है नाथूराम गोडसे की, और पैक मैकमिलन इंडिया जो है इसको पब्लिश करेगा। तीस्ता गुहर सरकार, एडिटोरियल हेड ऑफ पैन मैकमिलन इंडिया, इन्होंने बुक को एक्वायर किया है अनीश चंडी से, हु इज़ द फाउंडर ऑफ लेब्रिंथ लिटरेरी एजेंसी। सो द कजन्स ठाकरे, उद्धव राज एंड शैडो ऑफ देयर सेनाज, द बावला मर्डर केस, लव लस्ट एंड क्राइम इन कॉलोनियल इंडिया, ये कुछ बुक हैं जो धवल कुलकर्णी के द्वारा लिखी गई हैं। सो आप देख सकते हैं नाथूराम गॉडसे हैं, एंड इन्हीं पर बेस्ड एक जो बायोग्राफी है वो पब्लिश की जाएगी 2022 में बाय पैन मैकमिलन इंडिया। सो इसको लिखा किसने है, ये मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट हैं धवल कुलकर्णी, उनके द्वारा लिखी गई है। सो क्वेश्चन देखिए, नाथूराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन इज अ बायोग्राफी ऑफ नाथूराम गॉडसे बाय मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट डैश तीस्ता गुहा, धवल कुलकर्णी, अनीश चंदी एंड चेतन सिंह, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। हाँ बिल्कुल सचिन, राइट, हाँ बिल्कुल, यस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज धवल कुलकर्णी। यस सचिन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस अतुल, राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज धवल कुलकर्णी, ठीक है। चलिए दैट्स वेरी गुड आशीष, आपका RBI ऑफिस अटेंडेंट का पेपर निकल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। चलिए येस ओनली पीडिया, राइट ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है, एंड मैं आपको बता दूँ, हर मंडे रात को 9 बजे आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास होती है,
जिसमें पूरे वीक के मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाती हूँ। सो मैंने कल वो क्लास ले ली है रात को 9 बजे। सो अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं किया तो आप जाकर प्लेलिस्ट एक अलग से बैंकिंग के लिए बनाया गया है, उसमें आप जाकर उसको अटेंड कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अभी 9 बजे से आपका द हिंदू एडिटोरियल बुक आपका सेशन होगा, उसको ज्वाइन करिएगा। सो टेक केयर गाइज, और मिलते हैं हम लोग कल सुबह फिर 8 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में।